दिस इज एन लेजेंडरी इन्विटेशन फ्रॉम ब्रांड ऑफ दिस मोटरसाइकिल. अबे किस नहीं रे, किस किस वीकेंड. इन 2 से 3 दिनों का हमारे जिंदगी में इतनी अहमियत होती है, फिर भी हम इसे कभी कभी इग्नोर कर देते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, एंड रिमेम्बर वन थिंग, अगर आप अपना वीकेंड अच्छे से प्लान नहीं कर सकते हो तो नो चांस कि आपका वीक भी अच्छे से प्लान हो पाएगा और उससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो भी एफिशिएंट नहीं होगी. सो प्लान योर वीकेंड वेल, क्योंकि सिंपल फंडा है बॉस, आपके ब्रेन और बॉडी को भी रेस्ट एंड रिफ्रेशमेंट की जरूरत होती है. और अगर मैं खुद की बात करूँ तो मुझे खुद भी याद नहीं है कि मैंने कब लास्ट टाइम इस पर्टिकुलर प्लेस पे बैठ करके वीकेंड पे इस तरह इंजॉय किया है. एक्चुअल में जो मैंने रिफ्रेशमेंट वर्ड यूज़ किया वो मेरे लिए रिफ्रेशमेंट मीन्स इधर राइडिंग, ट्रेवलिंग और एक्सप्लोरिंग. और उसी के चक्कर में आई थिंक लास्ट 5 to 6 months और से मार्च से मैं एक भी वीकेंड पे घर पे नहीं रहता था. बाकी दिनों में रहा हूँ बट वीकेंड्स पे इधर उधर ट्रेवलिंग करना, व्लॉग्स आप देख ही रहे हो. बट इस बार नहीं बॉस, इस बार इस वीकेंड में मुझे सीरियसली कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है. तो किधर आने जाने का कोई प्लान नहीं है, वीकेंड एंजॉय करेंगे, टीवी देखेंगे जस्ट लाइक ओल्ड डेज. एंड वन मोर थिंग, हम लोगों को लाइफ में इस बिग गाय की तरह रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है. देखो कितने लोगों को संभाल के रखा है, 1 2 3 4 5 6 टॉयज को अकेले संभाला है. और ये जो अरेंजमेंट है बोलने की जरूरत नहीं, हमारे आर्यन भाई साहब की है, मेरे बाद इस जगह पे कब्जा उसी ने किया है. वैसे आज दशहरा है तो आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं. और इसी के साथ हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सकारात्मकता बनी रहे. सकारात्मकता यानी जो हमारे माइंडसेट को पॉजिटिविटी चाहिए रहती है वो बनी रहे. और दशहरा के दिन एक कंपलसरी चीज़ है, हर फैमिली में की जाती है, हम भी फॉलो करते हैं, जो भी हम प्रॉपर्टी असेट्स या वैल्यूबल चीज़ें ओन करते हैं उसकी पूजा करना, उसकी एक रिस्पेक्ट करना. और बाकी लोगों ने तो घर की और कार की जो पूजा वगैरह थी वो कर ली है, मेरा बाकी है, दोनों भी बाइक का करना बाकी है, तो पहले वो करते हैं. एक्चुअल में ये वीकेंड के चक्कर में, सोने के चक्कर में मैंने पूरा लेट कर दिया. शक्ल भी दुरुस्त कर लिया, ऐसे भी फेस्टिवल सीजन चल रहे हैं, अभी कोई टेंशन नहीं. और भाई साहब मुंबई में जो गर्मी बढ़ी है यार, जैसे आग गिर रहा है. 15 मिनट में मैं ऑलमोस्ट पूरा जली गया. एनीवेज अभी चलो थोड़ा टाइम पास करते हैं, बट उसके पहले कुछ खाने को ऑर्डर करते हैं यार, बहुत भूख लग रही है. वैसे भी आज घर पे मतलब बाहर का खाना तो बनता है. ये जो नेटफ्लिक्स से नई सीरीज आई है स्क्विड गेम्स, ये अभी हम लोगों ने देख के ख़त्म किया. और आई हैव टू से यार, वेल स्क्रिप्टेड, वेल डायरेक्टेड, इंगेजिंग एंड एंटरटेनिंग ऐसी सीरीज है ये. देखो आप लोगों को भी मज़ा आएगा. और अभी नेक्स्ट सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले ये हाउस ऑफ सीक्रेट्स, इसका भी रिव्यू अच्छा है, #secondinindia. देखते हैं भाई. ये जो पैकेजिंग बॉक्स आप लोग देख रहे हो, रुको दिखाता हूँ इसका कंटेंट. दिस साउंड बार इज फ्रॉम ज़ेब्रोनिक, 80W आउटपुट के साथ. और भाई साहब क्या बजता है, रुको आप लोगों को सैंपल दिखाता हूँ. देखा ना साउंड बार का क्वालिटी एक नंबर है. और वैसे ये साउंड बार बड़े भाई का है, और जो आप लोगों ने मैच देखा वो क्योंकि भाई ने मुझे दिया है इसको ज़रा टेस्टिंग वगैरह करने के लिए. भाई ने इसको बिग बिलियन डेज में लिया और ज़बरदस्त डील पे लिया, वैल्यू फॉर मनी डील. और इसी ब्लॉक का सॉन्ग प्ले किया, रॉयल्टी फ्रॉम NCS टू अवॉइड कॉपीराइट क्लेम ऑब्वियसली. 25 व्लॉग्स अपलोड किए, कितने सारे मोटो व्लॉग्स किए, बट मैंने आज तक कभी भी अपनी फेवरेट बाइक के बारे में बात नहीं किया. लेट मी इंट्रोड्यूस यू माय फेवरेट बाइक. सो दैट बाइक इज दिस BMW S1000 RR टॉय वर्जन. कह रहे बिल्ले क्या कर रहा है उसके ऊपर, गेम खेल रहा है. आर्यन विल यू गिव मी द कीज ऑफ दिस मोटरसाइकिल. अबे किस नहीं रे, किस किस तू दे ना भाई. सो लेट्स गेट राइडिंग ऑन दिस मोटरसाइकिल. चालू किया. So this particular motorcycle gets one man power. Yes, you need to ride with your legs. क्या है ये? हैंडल लूज करके रखा है. नहीं क्या है ना यार,
एक्चुअली अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये थोड़ी बिगड़ गई है अभी देखो, ये है ना इसको चालू करने का देसी टोटका लगता है अभी मेरे को। आर्यन यू सीरियसली नीड टू मेंटेन योर मोटरसाइकिल। करता हूँ यार, 50 बार कर चुका हूँ। बिल्ली अंदर घुस जाती है, सब खिलने में पूरा तोड़ फोड़ देती है। देखो उसका आवाज देखो कितना मस्त है, इज्जत ही कराएगा। तो जो हम लोग टर्म यूज करते हैं ना, फन टू राइड मोटरसाइकिल, ये है वो सही मायने में फन टू राइड मोटरसाइकिल। इस ब्लॉग में मैं अपना वीकेंड रेस्ट प्लान ही कर रहा था कि लुक व्हाट आई रिसीव एन इनविटेशन, ER शिवम उपाध्याय। दिस इज एन लेजेंडरी इनविटेशन फ्रॉम ब्रांड अंडर माई फिंगर्स। ऑब्वियसली ब्रांड का नाम अभी रिवील नहीं करूंगा, टू नो ब्रांड नेम स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट ब्लॉग इन विच आई विल बी टॉकिंग मोर अबाउट दिस इन्विटेशन एंड इट्स इवेंट। टिल देन कीप वॉचिंग, मैं आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में इस इन्विटेशन के इवेंट के साथ जल्दी।